हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 7 और 8 फरवरी दोनों का जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे कंबाइन तरीके से वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश व मालदीव से आने वाले विदेशी पर्यटकों पर सतत विकास कर की लगाने की घोषणा कर दी है? तो ये आपका देश होगा भूटान। भूटान ने भारत, बांग्लादेश एवं मालदीव से आने वाले जितने भी विदेशी पर्यटक होंगे उनके ऊपर एक सतत विकास कर लगाएगा, जिसमें प्रतिदिन 1200 रुपये अधिक कर देने पड़ेंगे विदेशी पर्यटकों को। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके भूटान, भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। फिर भूटान की करेंसी, भूटान की करेंसी है आपके दोस्तों नेगुतरम, नेगुतरम भूटान की करेंसी है। फिर उसके बाद मैं भूटान के राष्ट्रपति की बात करता हूँ, तो भूटान के आपके जो राष्ट्रपति हैं लताओ सेरिम जी भूटान के राष्ट्रपति हैं। हालांकि आपको चीन के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी के बारे में तो पता होगा, लेकिन भूटान के राष्ट्रपति के जो नाम है इनके बारे में बहुत कम ही स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत, मैंने सोचा कि शायद ये बहुत इजीली तरीके से याद नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने लिया है। काफ़ी स्टूडेंट को इस नाम को याद करने में भी डिफिकल्ट होगा और याद भी नहीं होगा कि भूटान के राष्ट्रपति कौन है। तो भूटान के राष्ट्रपति जो है लताओ सेरिम जी है, और वहाँ की करेंसी, करेंसी भी क्या है आपकी नेगुतरम, नेगुतरम जो है आपकी भूटान की करेंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में डेनियल अरब एक व्यक्ति का नाम है, हाल ही में डेनियल अरब की मृत्यु हो गई, वह किस देश के सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो किस देश के रहे हैं डेनियल, आपके डेनियल अरब किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपके केन्या की राजधानी नैरोबी है। तो सबसे पहले जान लीजिए डेनियल अरब साहब के बारे में। तो ये डेनियल अरब जी जो है 1978 से 2002 तक लगातार 24 वर्ष तक जो है केन्या के राष्ट्रपति रहे, सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले जो है आपके कौन है राष्ट्रपति, डेनियल अरब, जो कि केन्या के हैं, केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी। यस, जो डेनियल अरब जी है 97 वर्ष के जब पूर्ण हो गए तब इनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं बात करता हूँ आपके यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके केन्या की राजधानी नैरोबी में है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो ये आपके मुंबई शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव होने वाला, ये वार्षिक कला महोत्सव है जो आपके मुंबई में होता है। जो मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है दोस्तों। तो मुंबई के बारे में कुछ जान लीजिए। मुंबई के जैसे कि मुख्यमंत्री सभी पता होगा, उद्धव ठाकरे जी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी है। फिर मैं बात करता हूँ वहाँ के जो आपके राज्यपाल है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। फिर उसके बाद वहाँ के जो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हैं वो प्रदीप नंद्रा जोग जी हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ के जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की बात मैं करता हूँ, तो लोकसभा सीटें 41 है, राज्यसभा सीटें 19 है, और विधानसभा सीटें जो है आपकी 231 है। तो इस प्रकार से आपके इतने सारे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। टैप वाटर रैंकिंग में आपका मुंबई प्रथम स्थान पर रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मुंबई को जो है भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी आपका मुंबई में है। तो मुंबई से जुड़े इतने कंटेंट मैंने आपको क्लियर करा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको, अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग महोत्सव मनाया जाता है। तवांग महोत्सव कहाँ का महोत्सव है? तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का है। फिर बात मैं करता हूँ अरुणाचल प्रदेश का तो तवांग महोत्सव है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के एक मांडू जिला है, मांडू जिले में मांडू महोत्सव का अभी हाल ही फिलहाल में आयोजन किया गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका मिजोरम में जो मिजोरम का उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है आपका चाप चर कूट महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो आपका मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरम थंगा जी है। तो इस प्रकार से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे सारे
हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 7 और 8 फरवरी दोनों का जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे कंबाइन तरीके से वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश व मालदीव से आने वाले विदेशी पर्यटकों पर सतत विकास कर की लगाने की घोषणा कर दी है? तो ये आपका देश होगा भूटान। भूटान ने भारत, बांग्लादेश एवं मालदीव से आने वाले जितने भी विदेशी पर्यटक होंगे उनके ऊपर एक सतत विकास कर लगाएगा, जिसमें प्रतिदिन 1200 रुपये अधिक कर देने पड़ेंगे विदेशी पर्यटकों को। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके भूटान, भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। फिर भूटान की करेंसी है आपके दोस्तों नेकुतरम भूटान की करेंसी है। फिर उसके बाद मैं भूटान के राष्ट्रपति की बात करता हूँ, तो भूटान के आपके जो राष्ट्रपति हैं लताओ सेरिम जी भूटान के राष्ट्रपति हैं। हालांकि आपको चीन के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी के बारे में तो पता होगा, लेकिन भूटान के राष्ट्रपति के जो नाम है इनके बारे में बहुत कम ही स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कि शायद ये बहुत इजीली तरीके से याद नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने लिया है। काफ़ी स्टूडेंट को इस नाम को याद करने में भी डिफिकल्ट होगा और याद भी नहीं होगा कि भूटान के राष्ट्रपति कौन है। तो भूटान के राष्ट्रपति जो है लताओ सेरिम जी है, और वहाँ की करेंसी भी क्या है आपकी नेकुतरम जो है आपकी भूटान की करेंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में डेनियल अरब एक व्यक्ति का नाम है, हाल ही में डेनियल अरब की मृत्यु हो गई, वह किस देश के सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो किस देश के रहे हैं डेनियल अरब किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो आपके केन्या की राजधानी नैरोबी है। तो सबसे पहले जान लीजिए डेनियल अरब साहब के बारे में। तो ये डेनियल अरब जी जो है 1978 से 2002 तक लगातार 24 वर्ष तक जो है केन्या के राष्ट्रपति रहे, सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले जो है आपके कौन है राष्ट्रपति, डेनियल अरब, जो कि केन्या के हैं, केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी। यस, जो डेनियल अरब जी है 97 वर्ष के जब पूर्ण हो गए तब इनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं बात करता हूँ आपके यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके केन्या की राजधानी नैरोबी में है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो ये आपके मुंबई शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव होने वाला, ये वार्षिक कला महोत्सव है जो आपके मुंबई में होता है। जो मुंबई किसकी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है दोस्तों। तो मुंबई के बारे में कुछ जान लीजिए। मुंबई के जैसे कि मुख्यमंत्री सभी पता होगा, उद्धव ठाकरे जी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। फिर मैं बात करता हूँ वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। फिर उसके बाद वहाँ के जो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हैं वो प्रदीप नंद्रा जोग जी हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ के जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की बात मैं करता हूँ, तो लोकसभा सीटें 41 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, और विधानसभा सीटें जो है आपकी 231 हैं। तो इस प्रकार से आपके इतने सारे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। टैप वाटर रैंकिंग में आपका मुंबई प्रथम स्थान पर रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मुंबई को जो है भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी आपका मुंबई में है। तो मुंबई से जुड़े इतने कंटेंट मैंने आपको क्लियर करा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको, अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग महोत्सव मनाया जाता है। तवांग महोत्सव कहाँ का महोत्सव है, तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का है। फिर बात मैं करता हूँ अरुणाचल प्रदेश का तो तवांग महोत्सव है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश का एक मांडू जिला है, मांडू जिले में मांडू महोत्सव का अभी हाल ही फिलहाल में आयोजन किया गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका मिजोरम में जो मिजोरम का उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, आपका चाप चर कूट महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो आपका मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो जोरम थंगा जी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे सारे के सारे मैंने क्लियर कराए दोस्तों।